हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? आज हम ग्रामर का, हिंदी का टॉपिक करेंगे। ग्रामर में हम आज समास करेंगे। समास को इंग्लिश में कंपाउंड भी कहते हैं। समास क्या होते हैं, समास किसे कहते हैं, तो चलो हम जानते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास का अगर हम अलग अलग करते हैं तो समास सम प्लस आस होता है। सम का मतलब होता है पास और आस का मतलब होता है रखना, मतलब पास रखना। अर्थात जो समास की परिभाषा है वो है कि दो या दो से अधिक शब्दों के पास आने पर एक नया शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के पास आने पर एक नया शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। जैसे संधि है हमारी, तो संधि में वर्ण होते हैं। संधि में वर्ण पास पास आने पर बदलते हैं और समास में शब्द पास पास आने पर एक नया शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। समास के प्रकार कितने होते हैं? समास 6 प्रकार का होता है। पहला है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा है द्वंद समास और छठा है बहुव्रीहि समास। तो ये हमारे समास के 6 प्रकार हैं। अब हम पहला जो प्रकार है अव्ययी भाव समास, वो क्या होता है उसको हम जानते हैं। तो जो हमारा अव्ययी भाव समास है उसको परिभाषा समझो या उसको समझने का तरीका समझो कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों, वो शब्द जिनके प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो, यथा प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर। उपसर्ग, अगर आप उपसर्ग जानते हो कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के आगे जुड़कर उसके शब्द में परिवर्तन लाते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो अगर जिस शब्द के आगे ये शब्द जुड़े हैं तो वो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मतलब होता है कि जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता, न लिंग में न किसी चीज में उसका कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पर हम अव्ययी भाव समास के उदाहरण देखते हैं। यहाँ पहला उदाहरण है यथाशक्ति। यथाशक्ति, यहाँ पर यथा जो जुड़ा है वो क्या है? उपसर्ग है। फिर दूसरा हमने लिया प्रतिदिन। तो यहाँ पर जो प्रति दिन जुड़ा है, दिन के आगे प्रति जुड़ा है, वो क्या है? उपसर्ग है। वैसे ही दूसरा है भर पेट। तो भर पेट, पेट के आगे भर जुड़ा है, तो ये क्या है? उपसर्ग है। वैसे ही आमरण, आजीवन, इन सब शब्दों में आगे उपसर्ग जुड़ने से ये अव्ययी भाव समास बन गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिन शब्दों के आगे उपसर्ग जुड़े हों वो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। ये हमारा यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो गया है। अब हमारा जो दूसरा समास है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होते हैं? तो तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पूर्व पद गौण, गौण मतलब कम, महान थोड़ा कम होता है, प्रधान मतलब प्रधान से थोड़ा कम होता है। तो जिस समास का पूर्व पद मतलब जो पहला पद होता है वो और उत्तर पद प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अथवा हम सिंपल लैंग्वेज में जो हम समझने की कोशिश करें, तो जो समास को हम अलग करते हैं, अलग करने पर जब उसके बीच में कारक जैसे का, की, को, के, लिए, में, पर, से, ये सब दिखाई देता है, तो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कि हमने उदाहरण लिया रंग मंच। यहाँ पर जो रंग है वो कम प्रधान है जबकि मंच ज़्यादा प्रधान है। तो यहाँ रंग मंच, तो रंग के लिए मंच, यहाँ पर के लिए का प्रयोग हुआ है। वैसे ही यहाँ पर वनवास है, तो वन में वास, यहाँ पर हमने जब इनको अलग अलग किया, समास विग्रह किया, तो क्या हुआ? वन में वास। वैसे ही नेत्रहीन, तो नेत्र से हीन,
ये यहाँ पर तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। कहने का मतलब है कि जो कारक चिन्ह जहाँ पर दिखाई दे वो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। इसकी बनावट में दो पदों के मध्य के कारक चिन्ह को के का के लिए की से में पर का लोप होता है। मतलब जैसे हमने रंगमंच, वनवास, नेत्रहीन उदाहरण देखे तो इनमें के लिए का लोप हुआ, रंगमंच में, वनवास में का लोप हुआ और नेत्रहीन में से का लोप हुआ। तो यहाँ पर कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे राजा का कुमार, तो राजकुमार यहाँ पर का लोप है। इसके छह भेद है, जो हमारा तत्पुरुष समास है उसके छह भेद हैं। कर्म तत्पुरुष जो कि आपने कारक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कर्म में क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पर को का लोप होता है, तो हमने यहाँ पर देशगत लिया तो देश को गत, यश को प्राप्त, सर्व को प्रिय, यहाँ पर कर्म तत्पुरुष के उदाहरण हैं। ठीक है, वैसे ही हमने दूसरा उदाहरण लिया करण का। करण तत्पुरुष समास में से विभक्ति का लोप होता है। जैसे कि तुलसी कृत, तुलसी से कृत, हस्त लिखित, हस्त से लिखित, रेखांकित, रेखा से कित। तो इस तरह से रेखा से लिखित यहाँ पर से का उपयुक्त हुआ है। वैसे ही हमारा तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। आपने कारक अगर आप जानते हो तो कर्ता, कर्म, कर्ण, यहाँ पर कर्म, कर्ण, संप्रदान हो गया है। तो ये हमारे कारक तत्पुरुष है। तो जो संप्रदान तत्पुरुष है इसमें के लिए का लोप होता है। जैसे देश भक्ति, तो देश के लिए भक्ति, परीक्षा भवन, तो परीक्षा के लिए भवन, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। वैसे ही जो हमारा चौथा है आपादान तत्पुरुष, इसमें का लोप होता है। जैसे धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यहाँ पर से का लोप होता है। संबंध तत्पुरुष, इसमें का के की का के की जो संबंध है उसमें का के की का लोप होता है। जैसे कि राजा का पुत्र, राजा की सभा, लोक सभा, तो एक मिनट, लोकसभा, तो लोक की सभा, ये हमारे संबंध तत्पुरुष के उदाहरण हो गए। अब हमारा आखिरी है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें मे पर का लोप हो जाता है। जैसे दानव, दानवीर, दान में वीर, शरणागत, शरण में आगत, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, ये हमारे तत्पुरुष समास हो गए। कहने का मतलब है कि तत्पुरुष समास वो कहलाते हैं जिसका पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो और दोनों के बीच में कारक चिन्हों का लोप हो, वो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अब हमारा जो तीसरा समास है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? वो समास जिसमें पूर्व पद विशेषण या उपमेय तथा उत्तर पद विशेष या उपमान होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। या फिर शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है वो कर्मधारय समास कहलाता है। मतलब जो पहला पद है वो विशेषण और उपमेय, उपमेय मतलब जो तुलना करता हो, और उपमान, उपमान मतलब जिससे की जाती हो। जैसे कि उपमेय में होता क्या है, जो उपमेय होता है वो हमारे शरीर से संबंधित विशेषताएं उसमें होती है, जबकि उपमेय में प्रकृति संबंधित विशेषताएं होती है। तो यहाँ पर आप एक और तरीका देख सकते हो कि जब भी आपको लगे कि ये कौन सा समास है तो आप उसमें कैसे लगाकर, जब आप उसका विग्रह करें तो कैसे लगाकर आप उसको देख लीजिए। अगर उत्तर मिल जाता है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे उदाहरण हमने लिया है मृग, मृग नयन, जो दूसरा पद है वो क्या है,
नयन। अब हम नयन में कैसे लगाकर देखेंगे, तो नयन कैसे है मृग के समान, नयन कैसे है मृग के समान, तो यहाँ पर ये कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। तो आपको अगर समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा समास है, तो आपको उसमें कैसे लगाकर देखना है। अगर उसमें पूर्व पद उससे ज़्यादा प्रधान उत्तर पद है, आप उसमें कैसे लगाकर देखोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, अगर कर्मधारय समास है तो। अब यहाँ पर है कि जब प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है तो कैसे होता है, जैसे महाजन, महान है जो जन, महान है जो जन, मतलब जो पहला पद है वो विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है, तो क्या हुआ कि महान है जो जन। वैसे ही दूसरा है महापुरुष, तो महान है जो पुरुष, ये हो गया एक नियम। दूसरा नियम है जब प्रथम पद के विशेष तथा द्वितीय पद विशेषण हो तो पुरुषोत्तम, पुरुष में उत्तम है जो, नरोत्तम, नरों में उत्तम है जो। वैसे ही दोनों पद विशेषण हो तो शीतोष्ण, शीत और उष्ण है जो, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा है जो। ये हमारे किसके उदाहरण है, कर्मधारय समास के उदाहरण है। प्रथम पद उपमेय तथा द्वितीय पद उपमान, मतलब उपमेय और उपमान, जो कि मैंने आपको बताया था कि उपमेय जिसमें तुलना की जाती है और किससे की जाती है वो उपमान होता है। जैसे देह लता रूपी, देह रूपी लता, कमल नयन तो कमल रूपी नयन, विद्या धन तो विद्या रूपी नयन। तो ये हमारा पांचवा है यहाँ पर नियम कि प्रथम पद उपमान तथा द्वितीय पद उपमेय हो तो। तो यहाँ पर कुसुम कोमल, कुसुम सा कोमल, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, तो ये यहाँ पर हमारा कर्मधारय समास हो गया। अब हमारा है द्विगु समास की, द्विगु समास किसे कहते हैं, वो समास जिसमें पूर्व पद संख्यावादी होता है। आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ये सब समास से इजी समास है कि जिसका पहला वाला पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास कहलाता है। अर्थ की दृष्टि से देखें तो ये समूहवाची होता है, जैसे कि त्रिलोक, तीनों लोकों का समूह, नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह, चौमासा, चार मासों का समूह। यहाँ पर त्रि, नौ, चौ, ये तीन, नौ, चार, ये संख्यावाची संख्यावाची है, इसलिए ये कौन सा समास है, द्विगु समास है। अब हमारा पांचवा समास आता है द्वंद समास की, द्वंद समास किसे कहते हैं, जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो, दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान रूप से प्रधान हो और दोनों शब्द और या अन्य समुच्चय बोधकों से न जुड़कर योजक से जुड़े हो, द्वंद समास कहला जाता है। या सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हों, वो कौन से समास कहलाएंगे, द्वंद समास। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जिन समास के बीच में और या का लोप हो और उनकी जगह योजक चिन्ह हो तो वो द्वंद समास कहलाता है, और ये एक दूसरे के विपरीत होंगे तभी। द्वंद का मतलब होता है झगड़ा, एक दूसरे के सामने आने पर झगड़ा। तो यहाँ पर जो द्वंद समास है उनमें जैसे धीरे धीरे अगर आता है तो धीरे धीरे के बीच में भी योजक चिन्ह आता है, लेकिन धीरे धीरे द्वंद समास का उदाहरण नहीं है, वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमें समझना कैसे है कि जब दोनों एक दूसरे से विपरीत हो तो ये पूरक हो, तब वो हमारे द्वंद समास के उदाहरण होते हैं। जैसे कि सुख और दुख, ये विलोम है एक दूसरे के, सुख और दुख के बीच में योजक चिन्ह आ गया तो ये हमारा द्वंद समास है। जैसे पति पत्नी, राजा रानी, ये सब द्वंद समास के उदाहरण हैं। अब हमारा जो छठा आखिरी समास है वो है बहुव्रीहि समास, जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान हो ना ही उत्तर पद प्रधान हो अपितु दोनों मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। जो समास जिसके दोनों पद प्रधान नहीं हो और वो तीसरे पद की ओर
इशारा करे वो कौन से पद कहलाते हैं? बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। या फिर हम इसमें ज़्यादातर देखते हैं कि इसमें देवी देवताओं के नाम शब्द समूह के लिए एक शब्द, जो शब्द समूह होता है कि पूरा एक सेंटेंस होता है उसको एक शब्द में लिखना, उसका प्रयोग इसमें ज़्यादा होता है। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं कि त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके शिव, मतलब त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके वो कौन है? शिव। वैसे ही लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, वो कौन है? गणेश। जैसे दशानन, दश आननों वाला अर्थात रावण। प्रधानमंत्री, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है ये शब्द समूह का शब्द लिया गया है कि मंत्रियों में प्रधान है जो, कौन है वो? प्रधानमंत्री। तो ये हमारा बहुव्रीहि समास हो गया। तो यहाँ पर हमारे समास कंप्लीट होते हैं कि जो हमारा समास है उसका टॉपिक पूरा। समास की हमने परिभाषा जान ली, उसके टाइप्स जान लिए, टाइप्स की हमने परिभाषाएँ जान ली कि हमें किस तरह से पहचानना है कि कौन सा समास होता है। तो ये हमारा समास का टॉपिक आज यही ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।